ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। सीजीएल 2019 का जो है फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है दोस्तों, सीजीएल 2019 का फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो फॉर्म भरे गए थे वो 2021 के फॉर्म भरे गए थे, जिसका कि अभी 11 अप्रैल से जो है पेपर है। ठीक है, तो सीजीएल 2020 का प्री प्लस मेंस हो चुका है, इसका रिज़ल्ट 30 अप्रैल को आना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा सीजीएल कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 19, 20 और 21 का, 2022 का आगे निकलेगा 2023 के अंदर। तो ये देख लेते हैं दोस्तों क्या कुछ इसकी कट ऑफ रही है। ठीक है, तो सभी की ये 10 पेज की पूरी कट ऑफ निकलती है, तो इसको थोड़ा सा समझना होता है कि इसमें चार लिस्टें निकलती हैं। ठीक है, तो पहली लिस्ट होती है आपकी डबल AO की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ठीक है, ये 4800 ग्रेड पे की है, यानी कि ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। फिर सेकंड है ये आपकी JSO एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ये सब इंस्पेक्टर रैंक है, लिस्ट 2 हो गई आपकी। ठीक है, फिर ये अदर आपकी जो हो गई लिस्ट 3 हो गई आपकी, कट ऑफ डिटेल्स ऑल पोस्ट अदर देन, यानी कि इन सभी को छोड़ करके जो है और दूसरी। ठीक है, जो कि कॉमन होती सभी के अंदर। तो अगर इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UOR की कट ऑफ जो है कितनी गई है, 672। ठीक है, ये कितने में से है, वो जो है ऊपर वाली पोस्टों में 700 प्लस में 200, 900 का पेपर होता है। ठीक है, तो ये अदर देन लिस्ट 3 में जो है केवल कितने का होता है, 700 का। 700 में कैसे कैसे होता है कि 200 नंबर का परी होता है आपका, 200 नंबर का मैथ मेंस में, और 200 नंबर की इंग्लिश, यानी कि ये मेंस हो गया। ठीक है, ये टीयर 1 हो गया आपका, ये टीयर 2 हो गया आपका, और टीयर 3 में क्या आएगा, 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, यानी कि टोटल जो है ये कट ऑफ निकलती है 700 में से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी को हम सर्च करते हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है कितनी गई है, कम से कम कट ऑफ जो है कितनी गई है 700 में से। तो नीचे सबसे चलते हैं हम, डी की जो लाइन होती है वो सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ में आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D52, इसकी जो कट ऑफ है 628। ठीक है, यही जो आपकी सबसे कम कट ऑफ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर EWS की, ठीक है, तो EWS की D52 की EWS की कट ऑफ जो है देख लेते हैं हम ऊपर, D52 EWS, तो 614। ठीक है, और UR की कितनी गई, 628, यानी कि पूरा 14 नंबर का गैप है जनरल की और EWS की में। और जो है OBC की कट ऑफ कितनी गई, 614। ठीक है, तो जनरल की 628, इतना गैप रहा है। और SC की अगर बात करें तो SC कट 567। ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है SC की कट ऑफ में, देखो कहाँ 628 और कहाँ 567। ठीक है, तो यानी कि लगभग 30 और 30, 60 नंबर का जो इसके अंदर गैप रह गया है SC में, और ST में तो और भी ज़्यादा रह गया, 540 तक गई है। तो जनरल कैटेगरी में जो है जनरल, EWS, BCB में, OBC में बहुत ही अच्छा कंपटीशन है। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों सारी की सारी दे रखी हैं कि मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो B52 है। ठीक है, एक्साइज B23 है, तो इस तरह से आप किसी को भी देख सकते हैं, उसकी देख सकते हैं आप, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की देख सकते हैं, CBI की देख सकते हैं, सभी की जो है यहाँ पर जो है इस तरह से कोड से आप ये देख पाएंगे। अब बात करते हैं इनकी वैकेंसीज के बारे में, तो ये इस तरह से जो है मैंने डाल दिए सारी की सारी PDF, तो इसकी वैकेंसीज कितनी रहती हैं ये आप देख लो, ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी होती हैं, तो ये 8428 टोटल जो वैकेंसी 8428 हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी बता रखी हैं, ये देख सकते हैं आप। ये CBI का होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये CBI सब इंस्पेक्टर लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 57 वैकेंसी हैं CBI में सब इंस्पेक्टर की ऑल इंडिया में लगने की। ठीक है, तो ये इस तरह से सभी का जो है वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, एज लिमिट होती है, पे लेवल होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर दिया, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का पता होना उनको बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरह से जो है सारी की सारी कट ऑफ है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो जिस जिसका हो गया भाई सिलेक्शन, बहुत बहुत बधाई उनको, और वो
उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही अब जो है काम रहेगा, बिल्कुल मिनिस्टर के साथ उनकी, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट मिले हैं, जैसे रेलवे है जो जो दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, तो उनका जैसे विदेश मंत्री उनके साथ में, जैसे जो इसमें एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन का, तो उनको जो है वहाँ पर जाने का भी मौका मिलता रहेगा फॉरेन में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, थैंक यू।